गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू नेचुरोवेदा हेल्थ वर्ल्ड। आज हमारे साथ हैं मिस्टर फहद इकराम जी, आ रहे हैं तोपशिया से। आइए जान लेंगे डॉक्टर कीम सैफुल्ला सर के पास क्या तकलीफ लेके आए थे दिखाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप थोड़ा हम लोगों को बोलेंगे कि क्या तकलीफ लेके आप सर को दिखा रहे थे? एक्चुअली मेरा वीकनेस और कफ का प्रॉब्लम था। अच्छा, तो ये बचपन से ऐसा प्रॉब्लम मेरा होता आ रहा था। हर 6 महीने में बुखार, सर्दी, खांसी, टॉन्सिल वगैरह भी बढ़ जाता था वो सब। अच्छा, यही सब था। तो इसके लिए आप कोई डॉक्टर दिखाए हैं? यस मैम, एलोपैथी का दवा तो मैं बचपन से खा रहे थे। हाँ, तो इतने दिन का तकलीफ मतलब क्या होता था? दवाई लेते थे तो दवाई लेने पे वो सही रहता था, 1-1.5 महीना ये इलाज करवाते थे तो सही रहता था, लेकिन फिर हर 6-4 महीने में ठंडा लगी जाता था। जहाँ कुछ एक गिलास पानी भी पी लेते थे तो बुखार आ जाता था, ठंडा वगैरह का। मतलब इतना सीवियर कंडीशन था। एसी वगैरह पंखा के नीचे बैठना भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। अच्छा, तो अभी आप जो दवाई लिए तो कितने दिन का दवाई लिया? ये तो मेरा सेकंड टाइम है, यानी इससे पहले 40 डेज का दवाई लिए थे। आप सर के अंडर में 40 डेज का दवाई लिए, तो आपको आप थोड़ा बताइए हम लोगों को कि अभी आप क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद दवाई खाए हैं और सिंस ये आपका चाइल्डहुड से प्रॉब्लम था, तो आपका खुद जो एक्सपीरियंस हुआ वो थोड़ा हम सभी से शेयर कीजिए प्लीज। दवा खाने के बाद से तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से जो कमजोरी वगैरह मेरा था पर्सनली वो सब सही लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि पहले चलने से भी बहुत कमर वगैरह दर्द कर लेता था, लेकिन अभी दवा खाने के दौरान ही मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ सही हो रहा है। और जो कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम था, क्योंकि देखिए अभी तो समर पर मतलब आ गया है तो वेदर चेंज हो रहे हैं, तो आप क्या फील कर रहे हैं? यस मैम, मौसम में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। पहले जैसे एसी के नीचे बैठना या पंखा के नीचे बैठने से ही मुझे गला वगैरह सूखना लगता था, लेकिन अभी वैसा नहीं लगता है। एसी पंखा से फर्क उतना भी पड़ नहीं रहा है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा। हम लोग आशा रखते हैं कि आप एकदम सुंदर से स्वस्थ से सामने का दिन काटे। और थोड़ा बताना चाहेंगे कि सर के साथ एक्सपीरियंस आपका कैसा था, ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस? सभी का सही लगा, हम आउटस्टैंडिंग था सर के साथ। वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।